श्रीमद्भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय पंचम समस्त कारणों के कारण श्लोक संख्या 26 से 29 शब्दादि का के द्वारा नभोसोऽथ विकुर्वाणाभोस्पर्शगुणोनिलान्वयाच्छब्दमश्चाणतोज सौबलं वायोरपि विकुर्वाणा कालकर्म स्वभावच स्वभावतः पूजपद्यतेजो वै रूपवत्स्पर्शशब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणा आसिदम्बोदसात्मकम् रूपवत्स्पर्शवच्चम्बो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणात् अम्बसो गन्धवानभूत् परान्वयात् रसस्पर्श शब्दरूपगुणान्विता शब्द नभसः आकाश का और इस प्रकार विपूर्वाणा रूपांतरित होकर अभूत उत्पन्न हुआ स्पर्श गुण अभिन्न अनिल वायु पर पूर्ववर्ती पिछली अन्वया परंपरा से शब्दवान ध्वनि से पूर्ण प्राण जीवन ओजह इंद्रिय बोध सह मोटा बलम बल वायु के अपि भी विकुर्वाणा रूपांतरण से काल समय कर्म पिछले कर्म स्वभावतः स्वभाव के अनुसार उदपद्यता उत्पन्न हुआ तेज अग्नि वै ठीक से रूपवत रूप के साथ स्पर्श शब्दवत शब्द के साथ तेजसः अग्नि का तू लेकिन विकुर्वाणा रूपांतरित होकर ऐसा हुआ अम्बा जल रस से निर्मित रूपवत रूप के साथ स्पर्शवत स्पर्श के साथ जल कोशवत ध्वनि के साथ परंपरा से विशेष नाना रूपता तू लेकिन विकुर्वाणा रूपांतरण से जल का सुगंधित अभूत हो गया परंपरा से रसा स्पर्श शब्द ध्वनि रूपगुण अन्वितः गुणात्मक रूप से अनुवाद चूंकि आकाश रूपांतरित होता है अतएव स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होता है और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा आयु के मूलभूत तत्व अर्थात इंद्रियानुभूति मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है और यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करते हैं। चूंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है अतएव जल प्रकट होता है जो रस तथा स्वाद से पूरित होता है। परंपरा अनुसार यह भी रूप
स्पर्श तथा शब्द से परिपूर्ण होता है और जब यही जल अपनी नाना रूप से हमें पृथ्वी में रूपांतरित होता है तब वह सुगंधिमय प्रतीत होता है और परंपरा अनुसार यह रस स्पर्श शब्द तथा रूप के गुणों से पूरित होता है। संपूर्ण सृष्टि का प्रक्रम क्रमिक विकास कार्य है तथा एक तत्व से दूसरे तत्व का विकास है जिससे पृथ्वी में नाना रूपता प्राप्त होती है जिसमें इतने सारे वृक्ष पौधे पर्वत नदियां सरीसृप पक्षी पशु तथा तरह तरह के मनुष्य मिलते हैं। इंद्रिय अनुभूति का गुण भी विकासमान है अर्थात यह शब्द से उत्पन्न होता है फिर स्पर्श और स्पर्श रूप बनता है। आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी के क्रमिक विकास के साथ साथ स्वाद तथा गंध भी उत्पन्न होते हैं। वे एक दूसरे के पारस्परिक कारण तथा कार्य होते हैं किंतु मूल कारण तो पूर्ण विस्तार के रूप साक्षात भगवान होते हैं जो महत्व के कारण जलशय विष्णु महाविष्णु है। इसीलिए ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण को समस्त कारणों का कारण बताया गया है और भगवद गीता दशरथ के 8वें श्लोक में इसकी एक पुष्टि इस प्रकार हुई है अहम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन के मां बूढ़ा भाव समागृत। इंद्रिय अनुभूति के सारे गुण पृथ्वी में पूरी तरह से आते हैं और वे ही कुछ कम हद तक अन्य तत्वों में प्रकट होते हैं। आकाश में केवल शब्द होता है किंतु वायु में शब्द तथा स्पर्श दोनों होते हैं। अग्नि में ध्वनि स्पर्श तथा आकार होते हैं तथा जल में अन्य अनुभूतियों तथा ध्वनि स्पर्श आकार के अतिरिक्त स्वाद भी होता है किंतु पृथ्वी में उपयुक्त गुणों के अतिरिक्त गंध का भी अतिरिक्त विकास होता है। अतः पृथ्वी पर जीवन की गतिविधि विविधता का पूर्ण प्रदर्शन होता है उस जीवन का जो मूलतः वायु को मूल तत्व मानकर प्रारंभ होता है। शारीरिक रोग जीवों के भौतिक शरीर के भीतर वायु में विकार आ जाने से होता है। मानसिक रोग शरीर के भीतर वायु के विशेष उपित होने से होता है। अतः योगिक व्यायाम वायु को ठीक से रखने में विशेष लाभप्रद होते हैं और ऐसे व्यायाम से शरीर के रोग प्रायः न के बराबर होते हैं। योगासनों को ठीक से करने पर आयु भी बढ़ती है और ऐसे अभ्यासों से मृत्यु को भी वश में किया जा सकता है। एक पूर्ण योगी मृत्यु पर भी वर्चस्व रख सकता है और ठीक समय पर शरीर को त्याग सकता है किंतु तभी जब वह अपने को उपयुक्त लोक पर ले जाने में सक्षम होता है। किंतु भक्ति योगी समस्त योगियों से बढ़कर होता है क्योंकि उसे अपनी भक्ति में सीमा के बल पर भौतिक आकाश से परे वाले लोक को भेज दिया जाता है और सबों की नियमता भगवान की परम इच्छा से उसे वैकुंठ के किसी भी लोक में रखा जाता है। ओम ज्ञान की ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकधामयं ददाति सर्वदान्तिकं वन्द्यां श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकृजातं सहगमगतिमतान्वितं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सर्वलोका श्री शाखा विकास हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णवाणी देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
ये सूक्ष्म तत्व से स्थूल तत्व का विस्तार ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, किस प्रकार मां तत्व का विस्तार होता है अहंकार, और अहंकार प्रकृति के तीन गुणों में विस्तार होता है, और ये अहंकार से ही ध्वनि और आकाश उत्पन्न होते हैं, जो हमने कल देखा। ठीक है, तो आकाश का गुण है ध्वनि। जब हमको ध्वनि सुनाई देता है, आकाश रहता है तो ध्वनि सुनाई देता है, वो उसका गुण है। हम देखते हैं दूर ध्वनि मार्ग, ये जो रेडियो आता है ना, रेडियो दूर से ध्वनि, वो ध्वनि आकाश में है, इसीलिए वो ध्वनि, इसका प्रॉपर उपयोग करके टेक्नोलॉजी से वो ध्वनि को हम तक पहुंचाते हैं मोबाइल नंबर। ये ध्वनि दूर ध्वनि, ये आकाश और ये ध्वनि आकाश आकाशवाणी। ये अभी हमारा जो अभी तो रेडियो बंद है, फिर भी तो आकाशवाणी, तो आकाश का जो ध्वनि का गुण है उसको उपयोग करके ये ध्वनि हम तक पहुंचता है आकाश में से। ये आकाश मार्ग से ये ध्वनि आती है, इसीलिए उसको आकाशवाणी कहते हैं। दूर ध्वनि, दूर से ध्वनि हमारे तक आता है टेक्नोलॉजी। तो जैसे मैं अभी बोलता हूं तो ये आकाश, पूरा आकाश सब जगह व्याप्त है, आकाश वायु, तो मैं बोलता हूं इसलिए आपको सुनाई दे रहा, आपके कान तक पहुंचता है ध्वनि आकाश में। इसके लिए तो ये चूंकि आकाश रूपांतरित होता है, फिर आकाश का रूपांतर कैसे होता है, जैसे स्टेप में हमने सब देखा, पहले ध्वनि से आकाश आकाश प्रकट होता है, फिर आकाश का रूपांतर किस में होता है, वायु में। आकाश अतएव स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है। ये जब आकाश का रूपांतर होता है तो वायु उत्पन्न होती है, और वायु में स्पर्श गुण है, हमको वायु लगता है, ठंड लग रही है, हवा बंद कर रही है, पंखा चलते हैं तो वायु स्पर्श होता है ना हमको, स्पर्श गुण। और वायु में एक और गुण होता है आकाश का गुण, मतलब ये जो रूपांतर होता है ना, तो पहले तत्व के सूक्ष्म तत्व के गुण उसमें रहते ही, तो पहले आकाश का गुण क्या, ध्वनि, और वायु का स्पर्श एक और गुण बन गया, तो स्पर्श के साथ ध्वनि भी रहता है। तो जब वायु होता है तो वायु में दो गुण होते हैं, स्पर्श और ध्वनि। फिर वायु का रूपांतर जब होता है तो अग्नि होता है उत्पन्न, तो अग्नि में स्पर्श, हम अग्नि को स्पर्श करते हैं जलता है, ठीक है, अग्नि फड़फड़ जलते हैं, उसका ध्वनि होता है, तो अग्नि में ध्वनि और स्पर्श होता है, उसके साथ उसमें कौन सा रूप आ जाता है, अग्नि में रूप दिखता है, अग्नि दिखता है, वायु नहीं दिखता है और आकाश नहीं दिखता है। ये जो हम देख रहे हो आकाश, वो आकाश नहीं, ये तो बादल है, आकाश दिखता नहीं, वो सूक्ष्म है, मैं आपको देख सकता हूं, पर बीच में आकाश है। तो ये अग्नि में दो गुण के उपरांत उसका गुण है रूप, ये तीन गुण अग्नि में है। तो हमने देखा आकाश, फिर पृथ्वी, अरे आयु, आकाश, वायु और अग्नि। जब अग्नि का रूपांतरण होता है तो इसमें नहीं जल उत्पन्न होता है, और जल का गुण क्या है, नहीं नहीं स्वाद, स्वाद। तो ये ध्यान का है शब्द, अग्नि भी रूपांतरित होती है, जल प्रकट का है, जो रस तथा स्वाद से पूरित होता है, स्वाद रस, और मतलब उसमें तीन गुण तो है, और इसमें रस का गुण और ऐड होता है जल में, इसीलिए टेस्ट भगवान कहते हैं रसों से पहुंचते हैं, जो पानी का रस में हो, स्वाद में हो, तो स्वाद इसमें जल में आता है, जल हमको दिखता है उसमें रूप है, फिर जल का स्पर्श हम कर सकते हैं, जल का ध्वनि आता है जब नदी बहती है खड़ 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 खड़, ये चार गुण जल में होता है। जब जल का रूपांतर होता है वो पृथ्वी में होता है रूपांतर,
और उसमें गंध सुगंध मिक्स होती है। ये पांचवा मतलब जल का विकास होती है जो पृथ्वी होती है। पृथ्वी का सूक्ष्म गुण क्या है? वो है सुगंध। तो पृथ्वी में सब कुछ है जो आगे चार हमने देखा। तो ये रस स्पर्श शब्द रूप और गंध ये सब हमको मिलेगा इसमें पृथ्वी। यानी पृथ्वी को हम पांचों इंद्रियों से अनुभूति कर सकते हैं। शब्द आकाश को सिर्फ कान से, आकाश को सिर्फ हम कान से अनुभूति आकाश कर सकते। प्रभुपाद समझे थे पृथ्वी में ये पांच तत्व है, पांच तन्मात्रा होती है, इनके गुण पांच। इसलिए पृथ्वी में सब कुछ वैरायटी आ जाती है। प्रभुपाद लिखते हैं कि एक तत्व से दूसरे तत्व का विकास होता है और जिसमें पृथ्वी में नाना रूपता प्राप्त होती है, उसमें सब गुण है। इससे पृथ्वी में सब गुण विद्यमान है, इसकी वजह से इतने सारे वृक्ष पौधे पवित्र पर्वत नदियां सरीसृप पक्षी पशु तथा तरह तरह के मनुष्य मिलते हैं। इसलिए पृथ्वी पे वैरायटी है, उसमें सब कुछ है। जब पृथ्वी से हम देखते हैं ये होता है, पानी भी पृथ्वी से आता है, पृथ्वी से पौधे पौधे पेड़ हम भी पृथ्वी से। तो ये अलग तरह तरह के मनुष्य मिलते हैं। तो इंद्रिय अनुभूति का गुण भी विकासमान है। अर्थात अभी देखिए शब्द वायु शब्द तथा वायु के मूलभूत तत्व अर्थात इंद्रिय अनुभूति, इंद्रिय अनुभूति मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होता है तो अग्नि उत्पन्न होती है और यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। तो इस प्रकार रूपांतरण होकर हमको अंत में पृथ्वी, ये सब तो रहता ही है और साथ में पूर्ण रूप से पांचों गुण वाली पृथ्वी रूपांतरित होता है। पृथ्वी से आगे हम देखेंगे। लेकिन प्रभुपाद यहाँ क्या कहते हैं कि ये एक दूसरे से है कि पारस्परिक कार्य से होते हैं। ये आकाश इसका कारण है, किसका? वायु। अग्नि का कारण वायु है, जल का कारण अग्नि है और पृथ्वी का कारण जल है। ये कार्य कारण में रूपांतरित होता है, जल रूपांतरित हो गया पृथ्वी में। तो पृथ्वी का कारण क्या है? जल। तो प्रभुपाद कहते हैं किंतु मूल कारण तो पूर्ण विस्तार के रूप में साक्षात भगवान होते हैं। ये मूल चीज है जो हमको समझना है। ये सब रूपांतरित होता है एक तत्व से दूसरा तत्व रूपांतरित, लेकिन मूल रूपांतर कारण होते हैं कृष्ण के कारण होते हैं। कृष्ण होते हैं साक्षात भगवान होते हैं जो महत्त्व के कारण जलशायु महाविष्णु है। महाविष्णु वो महत्त्व कौन प्रकट करता है? महाविष्णु। इसीलिए अल्टीमेटली महाविष्णु ये सब महत्त्व के कारण और महत्त्व से जो विस्तार होता है उसका मूल कारण तो कृष्ण है। और भगवद गीता में ऐसा प्रभुपाद कहते हैं, इसीलिए ब्रह्म संहिता में और भगवद गीता में भगवान जी बोलते हैं, ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण धारण, ये शब्द इसीलिए कहा गया है ब्रह्मा जी द्वारा, क्योंकि वह सभी कारण के कारण है। पृथ्वी का लग्न वाले आकाश के भी कारण वही है भगवान महाविष्णु, और वो इनका जो महाविष्णु के कारण कौन है? कृष्ण गोविंद मान पुरुषोत्तम। तो इस प्रकार भगवद गीता में पुष्टि है अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते मम बुधा भाव समाधि। बुधा बुद्धिशाली लोग, क्या बुद्धिशाली लोग किसको बोलते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो, मेरे में सब कुछ उत्पन्न होता है। मत्त सर्वं प्रवर्तते, मेरे में सब कुछ उद्भूत होता है। इति मत्वा ऐसा जो मानते हैं, इति मत्वा भजन्ते मम जो मेरी पूजा करते हैं,
मूर्खा है, ये बुद्धिशाली हो गया। तो ये भगवद्गीता का श्लोक है। अब ये भगवद्गीता का श्लोक ब्रह्मा जी भागवतम में इस प्रकार व्याख्या से समझा रहे हैं। ये कैसे भगवान से सब कुछ उत्पन्न होता है, प्रश्न हो सकता है कि भाई भगवान कहते हैं हम सर्वस्य प्रभु हो, मैं सबका मूल उत्पत्ति हूँ, मेरे लिए सब कुछ उत्पत्ति, ये कैसे होता है? तो ये ब्रह्मा जी समझते इस प्रकार होता है। अभी क्लियर हो रहा है ना हमको ये श्लोक कि भगवान, हमने भगवद्गीता पहले पढ़ा, उसमें हम बोलते हैं सब भगवान से सब कुछ उत्पन्न होता है। अभी इस श्लोक से हमको पता चलता है किस प्रकार से भगवान उत्पन्न करते हैं। तो ये टेक्निकल, ये इस टेक्नोलॉजी से भगवान उत्पन्न करते हैं, वो टेक्नोलॉजी ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि महत्त्व से अहंकार जुटा अहंकार, उससे तीन गुण और फिर आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, यहाँ तक हम पहुंचे। तो हमको ये अभी क्लियर हुआ ना, हाँ ये तो सब भगवान से उत्पन्न होता है और भगवान भगवंती में यही कहते हैं कि सब कुछ मेरे से उत्पन्न होता है। अभी हमारा बैठता है ना, ये सुखदेव गोस्वामी या मतलब सुखदेव गोस्वामी बता रहे ब्रह्मा जी की बात कि सुखदेव गोस्वामी और भगवद्गीता का कनेक्शन हो गया है। भगवद्गीता में कहते हैं वो हम अभी हम समझ रहे, यस ये पृथ्वी कैसे उत्पन्न होती है, जल कैसे उत्पन्न होता है, समझ रहे। तो ये भगवान कहते हैं कि अभी हमने देखा आकाश में केवल शब्द होता है, किंतु वायु में शब्द का स्पर्श दोनों होते, ये हमने समझ लिया। और किंतु पृथ्वी में उपरी दोनों के अतिरिक्त गंध का भी अतिरिक्त विकास होता है, अतएव पृथ्वी पर जीवन की विविधता का पूर्ण प्रदर्शन होता है। जो हमने देखा सारे गुण होने के कारण उसमें सब कुछ होता है, उस जीवन का जो मूलतः वायु को मूल तत्व मानकर प्रारंभ होता है। शारीरिक रोग जीवों के भौतिक शरीर के भीतर वायु में विकार आने से होते हैं। हमारा शरीर में जो रोग होते हैं मुख्य विकार से कफ पित्त वायु, ये वायु अपने शरीर में भी है, अवकाश भी है शरीर में, आकाश भी है। तो ये जब ये देखते हैं नाड़ी तो उसमें देखते हैं वायु, ये उसका जो हम झपका होता है ना, ये नाड़ी का जो है उससे वो तो जो वायु की वजह से ये होता है ना, तो जो एक्सपर्ट वही जो होता है वो ऐसा बोलते हैं हाँ कल तुमने ये खाया था या तुम्हारे पेट में वायु है, वो एक्सपर्ट होते हैं। ये जितना धड़कन है आपकी तो वो शास्त्र में लिखा है कि ऐसी धड़कन वाले ऐसा चिन्ह होगा, इस प्रकार से वो दवा देते हैं। अभी हमारे केशी शत्रु प्रभु का थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, उनको घुटने में क्रैक हुआ और तो डॉक्टर ने एक्सरे निकलवाया, फिर बोला नहीं एक्सरे से समझ में नहीं आ रहा, MRI करवाना पड़ेगा। अभी MRI करवा लिया, देखो उनको कुछ मालूम नहीं पड़ता, हमारा वही की जो होता है ना उसको सब मालूम पड़ जाता है। वो लोग ऐसे अभी देखते भी पता चला यहाँ कुछ तकलीफ है। इस प्रकार ये साइंस जो अभी इसका साइंस अभी इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है वो कुछ नहीं उसमें, वो तो अड़ सकते लगा तो ठीक लागू तो ठीक नहीं तो तुक्को नाड़ी वे कितना। मुझे कोई व्यक्ति बता रहे थे, बोले कि एक व्यक्ति हॉस्पिटल में गया, ये सही घटना है, वो गांधीवादी था, बोला वो गांधीवादी था, तो हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर ने उसको पूछा कि तुम क्या क्या हो रहा है, वो बताया, फिर बोला तुम्हारा एक्सरे और ब्लड चेक करवाना पड़ेगा। तो तुम डॉक्टर हो क्या हो, एक्सरे और ब्लड चेक करवाने हैं तो तुम्हारे पास क्यों आया था, इसको तुमको कोई आता ही जाता नहीं है जैसे वो, क्योंकि वो पहले ऐसे लोग थे जो सिर्फ ऐसे बोल के बोल रहे क्या तुमको वायु में थोड़ा वायु का व्याधि है तो तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, समझ गए आपको। तो इस प्रकार ये वायु काम करता है, वायु को जानने वाले ये सब जो पूरा हमारा ये आयुर्वेद शास्त्र है ना वो पूरा कफ पित्त वायु के ऊपर आश्रित है, उसके ऊपर से हम पता चलता है हमारा बैलेंस है। त्रिगुण दोष बैलेंस बिगड़ने से सब होता है, वायु बढ़ जाता है कफ कभी बढ़ता है। अभी जैसे हमारे घुटने दर्द क्यों होते हैं, क्योंकि कफ होता है ना वो ये कफ लुब्रिकेंट है। एक बार क्या हुआ कि
मेरा वायु ये सब डिस्टर्ब था तो मैं हरडे खाता था। ये त्रिफला होते हैं, त्रिफला में वो तीन चीज होती है, आमला बेहड़ा और हरडे, तो ये तीनों को बैलेंस करता है। लेकिन यदि आप हरडे खाएंगे अकेले तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तो ये अच्छा लगेगा, लेकिन आपके कॉन्स्टिपेशन के साथ ये कफ भी निकल जाएगा तो वो भी प्रॉब्लम होगा। इसीलिए जो आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं, सही डॉक्टर, अभी पे आयुर्वेद के नाम से ऐसे भूखी दे देते हैं और उसमें वो स्टीरॉइड सब डाल देते हैं, इसीलिए आयुर्वेदिक भूखी खाते हैं, ओ मुझे अच्छा हो गया, लेकिन दूसरे दिन मालूम पड़ेगा सब सोजा चल गया, स्टीरॉइड डालते हैं। तो हम कहने का तात्पर्य कफ की वायु वे शरीर में रहते हैं, वायु मूलतः शारीरिक रोग जीवों के भौतिक शरीर के भीतर वायु में विकार आने से होते हैं। हमारे पॉइंट ये था, कहा चलेंगे। मानसिक रोग कैसे होता है? शरीर के भीतर वायु के विशेष कुपित होने से होता है, वे शारीरिक और मानसिक रोग इसीलिए होता है। अब देखिए, जिनको ये होता है ना, गैस रहता है ना, तो वो मानसिक भी तकलीफ होगी, इसमें लिखा है। अतएव योगिक व्यायाम वायु को ठीक से रखने में विशेष लाभप्रद होते हैं और ऐसे व्यायाम से शरीर के रोग प्रायः नौके बराबर हो जाते हैं। तो प्राणायाम इसके लिए करना चाहिए, योग इसके लिए करना चाहिए, किसके लिए, ताकि मतलब दवाई के रूप में बैलेंस करने के लिए। लेकिन योग में ये आसन, सॉरी योग में बोल दिया, आसन एक्सरसाइज, एक्चुअली भक्तों के लिए एक्सरसाइज प्राणायाम होती है, जो जब करते हैं उसमें प्राणायाम एक्सरसाइज हो जाती है, इसलिए भक्तों का वायु बैलेंस रहता है। देखो आप देखना, जो भक्ति करते हैं, सोलह माला करते हैं, चार नियमों का पालन करते हैं, वो तंदुरुस्त रहते हैं, वो ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं, देखना उसका बैलेंस रहता है सब, क्योंकि वो उसका अपने आप प्राणायाम होता है, अपने आप उसकी कसरत हो जाती है, नृत्य करते हैं, हाँ वो प्रसाद भी ग्रहण करते हैं नियम से, भगवान को अर्पण करते, इसलिए उसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आता है। अभी ये लोग कर्मी लोग जोमेटो से मंगवा लेते हैं, इधर उधर से मंगवा के खाते हैं, रात को 12 बजे खाते हैं, सुबह 6 बजे खाते हैं, रात को 2 बजे खाते हैं, इसीलिए उनका डिस्टर्बेंस है वायु। अभी रात को खाएंगे, एक्चुअली ये शास्त्र में वर्णन है कि सूर्यास्त के 1.5 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद महानिशा शुरू होती है सूर्यास्त के बाद, और वो सिर्फ सोने के लिए, खाने के लिए नहीं है, यानी समझे मैं 3 घंटा मतलब 10-15 मिनट इधर उधर सूर्योदय सूर्यास्त के हिसाब से होता है। तो जब मैं सूर्यास्त होता है, अभी सूर्यास्त होता है 7:10 7:10 कम हो जाता है, 7:10 को चेंज होता है, जब ठंड होती है उसमें 6 बजे हो जाता है सूर्यास्त। तो सूर्यास्त के हिसाब से है, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक जितना घड़ी है, जितना समय है, उसको 4 भाग में डिवाइड करके प्रथम 1 भाग, बाकी के 2 भाग और लास्ट 3/4 भाग, समझे, एक 4 प्रहर नहीं, ये भाग होते हैं, ये भाग बनाना होता है, कैलकुलेट करना होता है, अगर ये 4 भाग में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, तो ये 4 भाग में से पहला भाग संध्या, संध्या उसमें हम प्रसाद ले सकते हैं, संध्या मतलब समझिए 7 बजे होता है तो पहला भाग 9:30-8 बजे तक, तो उसमें वहाँ तक भोजन ले सकते हैं। फिर महानिशा, उसमें सिर्फ सोना होता है और कुछ नहीं खाने करना, तो महानिशा में लोग खाते हैं, इसीलिए रोग होते हैं। और ये खाने से क्या होता है, वायु डिस्टर्ब हो जाता है, अंदर एसिडिटी होती है, ये वायु डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसीलिए तो इन लोगों को ये प्राणायाम करना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो ये भक्त जानते हैं सिस्टम, वो शास्त्र को जानते हैं, इसीलिए वो रात को ज़्यादा नहीं जाते, कभी कभी बट खा लेते हैं, लेट होता है सेवा में, लेट होता है एक अलग बात है, कभी 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 नियम तोड़ते हैं, हम भूखे हैं पूरे दिन के, हम सेवाएं में इतने व्यस्त थे, तो एक अलग बात है।
लेकिन साधारणतः इस प्रकार नहीं खाना चाहिए। तो एक पूर्ण योगी मृत्यु पर भी वर्चस्व रख सकता है और ठीक समय पर शरीर को त्याग सकता है, मतलब वायु का कंट्रोल करने से यदि वो वायु का ठीक तरह से कंट्रोल करे तो अपने आत्मा जो प्राण वायु में प्राण वायु है उसमें आत्मा को उठा के प्राण को उठा के ब्रह्मरंध्र से कहीं पे भी भेज सकते हैं पूर्ण योग, या तो ये भौतिक जगत में या वैकुंठ जगत में भी जा सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि योगासनों को ठीक से करने पर वायु भी बढ़ते हैं और ऐसे अभ्यासों से मृत्यु को भी वश में किया जा सकता है। एक पूर्ण योगी, देखिए ये पूर्ण योगी की बात करें, प्रभुपाद योगी की बात करें, अभी ये योगी की बात कर रहे हैं प्रभुपाद, ये वायु का विषय है इसलिए योगी की बात करें। तो सुनिए आगे बहुत अच्छी तरह समझाते प्रभु कि ये ऐसे अभ्यास वायु को वश करके मृत्यु को भी वश में कर सकते। प्रभुपाद कहते हैं एक पूर्ण योगी मृत्यु पर भी वर्चस्व रख सकता है और ठीक समय पर शरीर को त्याग सकता है, किंतु तभी जब वह अपने को उपयुक्त लोक तक ले जाने में सक्षम होता है। यानी वो ये बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, पूरा वायु को कंट्रोल करके मन ये सब योगासन से करके पूरा यहाँ से प्राण वायु को उठा के ये इसकी विधि भगवद्गीता में दी गई है। दो भावों के बीच में हृदय से ये सब चक्र होते हैं, वहां से वायु को उठा के ये गौरव के बीच में फिर वहां से ब्रह्मरत्न में ले जाने और वहां से उसको आत्मा को निकालते हैं। कितनी डिफिकल्ट प्रोसेस है, इस योग में पॉसिबल नहीं है। प्रभुपाद क्यों समझा रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए प्रभुपाद आगे कहते हैं किंतु ये योगी भगवत धाम जा सकता है, किंतु कौन जो इस प्रकार वायु को कंट्रोल करने में सक्षम होता है। हमारे तो रात को 12 बजे खाने वाले होते हैं वो क्या वायु को कंट्रोल करेगा, नहीं हो सकता, क्योंकि वायु को कंट्रोल करने से पहले प्राणायाम करना पड़ेगा और प्राणायाम करने से पहले सब आसन और ध्यान धरना ये सब करना पड़ेगा। ये सब करने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा, ये सब करने के लिए ये सब दृश्य कान का शब्द गंध ये सब का त्याग करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करके सब उसके बाद आसन करना पड़ेगा। वो आसन करने के बाद वायु को कंट्रोल कर सकते हैं प्राणायाम वासन सबसे, और फिर ऐसा करने में जो सक्षम होते हैं वही भगवत धाम जा सकते हैं। ये तो हमारे से पॉसिबल नहीं है। तो क्या प्रभुपाद कहते हैं किंतु भक्ति योगी यानी जो भक्ति करते हैं वो समस्त योगियों से बढ़कर होता है, क्योंकि उसे अपनी भक्ति में सेवा के बल पर भौतिक आकाश से परे वाले लोकों में भेज दिया जाता है। अभी समझा प्रभुपाद क्या क्यों बता रहे थे ये योगियों के बारे में, वायु का कंट्रोल वो कर सकते हैं लेकिन वो डिफिकल्ट है और इसमें तो इम्पॉसिबल, कोई नहीं कर सकता इस कलयुग में। लेकिन भक्ति योग भक्ति में सेवा कार्य करता है तो उसको भेज दिया जाता है, जाओ भाई तुम अभी इधर अच्छी तरह से हो गया, तुम अभी सिर्फ कृष्ण के अलावा कुछ नहीं करते हो, अभी जाओ तुम भाई को उसकी भगवान केयर करते हैं। हाँ भक्ति योग भगवान केयर भेज दिया जाता है और सबों के नियंता परम नियंता भगवान कृष्ण की परम इच्छा से उसे वैकुंठ के किसी भी लोक में रखा जाता है। यह है भक्ति योगी। तो हमें इस प्रकार ये विज्ञान को समझ के पूर्ण रूप से भक्ति योगी बनेंगे तो भक्ति योगी पूरा योगी नाम अपनी सर्वेशां मन गति निरंतरात्मा नाम श्रद्धावान भजते योम समय युक्त तमो मता। सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, योगी नाम अपनी सर्वेशां भक्ति योगी, जो भगवान का निरंतर स्मरण करता रहता है, चिंतन करता रहता है, जो भगवान की सतत सेवा करता रहता है वो भक्ति योगी है और सब में श्रेष्ठ है। देखिए कहां से कहां आ गया, आज मैं जब भी भगवान कहते यही सोचता था
ये भगवान कितने महान, तीनों लोक के मालिक, पूरा जिसमें सब सब कुछ उत्पन्न है वो हमारे सामने खड़े हैं और हमारा दीप ग्रहण कर रहे हैं। कितनी महानते भगवान की, हम छोटे चीटी जैसे लोग की भगवान खड़े होके। मैं कल यही बता रहा था इस्कॉन मंदिर में क्लास था तो, कि जब हम भगवान का दर्शन करते हैं करने आते तो हम क्या सोचते हैं, हम नदी में स्नान करते क्यों करते हैं, ये क्यों दर्शन करते हैं। तो मैंने समझाया कि हम दर्शन करते हैं इसलिए कि भगवान हमारा दर्शन करे, इसलिए हम आते हैं दर्शन करने के लिए। हम सोचते हैं पत्थर का मूर्ति नहीं, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ आप मुझे देख रहे हो और मैं भी आपको देख रहा हूँ, इसी प्रकार हम सब भगवान का दर्शन करें और वास्तव में भगवान हमारा दर्शन करें। और भगवान भोगी है इसलिए हमारा दर्शन करके उनको आनंद मिलना चाहिए, वो आनंद मिले इसीलिए हम लोग धोती पहन के, हम अच्छे कपड़े पहन के भगवान के पास जाते हैं, हृदय शुद्ध करके भगवान के पास जाते, भगवान को प्रार्थना करते हैं। ये दर्शन का सही अर्थ है, यानी भगवान खड़े हैं, हमारा दीप ग्रहण कर रहे हैं, हमारा भोग ग्रहण कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना ग्रहण कर रहे हैं, हमारी आरती ग्रहण कर रहे हैं। इसको बोलते भक्ति योग, और भक्ति में इस प्रकार भगवान स्वीकारते हैं और फिर भक्ति योगी को जाओ तुम अभी लायक हो भगवत मेरे धाम जाने के लिए, भगवान हाथ पकड़ के उनको ले जाते स्वयं आते। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए किस प्रकार ये पांच स्थूल तत्व रूपांतरित होते हैं और फिर मन बुद्धि अहंकार जुड़ा। हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। पंचाक्ष हे साधव सकल जुरा ज